ये फिल्म जो अभी मैं कर रहा हूँ गौरी शंकर, ये फिल्म हिंदी अवधि में है। दिनेश भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एक्टिंग वगैरह के लिए। मुझे सबसे पहले विशेष उनकी ही आई थी, दिनेश भैया की। सारी जी ने भी दिया शुभकामना, पवन भैया ने भी शुभकामना दिया। तो हीरोइंस जो है वो भोजपुरी की भी है और कुछ हिंदी इंडस्ट्री से भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत और फिर एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ हाजिर हो चुका हूं। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं, पहले उनका परिचय मैं म्यूजिक सम्राट कहकर आपको बताया करता था। जी हाँ, भोजपुरी के म्यूजिक सम्राट। लेकिन अब मैं परिचय देने जा रहा हूं उनका एक एक्टर के रूप में। जी हाँ, बहुत स्वागत करिए आशीष वर्मा साहब का। आशीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जो है म्यूजिक की दुनिया में तो है ही है, लेकिन अब एक्टिंग में भी आ रहे हैं। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। देसी भारत देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो ये बताएं कि कैसे मूड हो गया एक्टिंग में आने का, पहले तो यही बता दीजिए। नहीं, ऐसा कोई मूड नहीं है। कुछ लोगों की ये राय थी कि हम लोग इस इंडस्ट्री को और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए, जो एक सिंगर से लेकर के हीरो वाली परंपरा है, थोड़ा उसको कट करके और भी लोगों को ज्वाइन किया जाए। तो उसमें पहल जो हुई उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश अगर नहीं करे तो फिर इंसान किसी को कुछ कह सकता है। तो फिर अपने आप को आजमाने में क्या जाता है, जब सभी लोगों का साथ है, आप जैसे लोगों का, तो फिर मैं रेडी हूँ। बिल्कुल, भोजपुरी जगत की बात करें तो अभी तक पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ जी और भी तमाम अभिनेताओं के लिए आपने गाने बनाए हैं, लेकिन अब इनके बीच में आप एक्टिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। ये फिल्म क्या भोजपुरी में है या फिर कैसी है? नहीं, ये फिल्म जो अभी मैं कर रहा हूँ गौरी शंकर, ये फिल्म हिंदी अवधि में है। हिंदी में भी है, अवधि में भी है। और कुछ चीज़ें हल्की फुल्की जो अपनी माटी की चीज़ है भोजपुरी, उसमें टच भी है, उससे हम लोग अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक देखा जाए तो ये हिंदी और अवधि में है। हिंदी और अवधि में। और उनके बीच जो आप कह रहे हैं कि दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, उनके बीच एक्टिंग की, तो अभी पीछे लिटरली हमने छठ गीत में दिनेश जी के साथ, अमरपाली जी के साथ, क्योंकि दिनेश भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एक्टिंग वगैरह के लिए और उकसाते भी हैं कि किया करो यार, तो उनके काफ़ी छठ के एल्बमों में हमने साथ में काम किया। बिल्कुल। और उसका एक गाना भी बहुत अच्छा, अभी छठ के भरत माई भूखे, उसमें हमने एक्टिंग किया था, पागल का कैरेक्टर था, तो बहुत ही अच्छा गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, मुझे सबसे पहले विशेष उनकी ही आई थी, दिनेश भैया की, कि गॉड ब्लेस यू भाई, आप अब नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, और मैं महादेव से कामना करता हूँ और मेरा भी आशीर्वाद है कि आप इसमें भी पूरा का पूरा धुन दो। आपको बता दें कि खनवास की वजह से फिल्म का काम अभी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन मुहूर्त पहले ही हो गई है। तो भैया कब कब शूटिंग शुरू हो जाएगी? शूटिंग कल परसों से स्टार्ट है। वैसे कल कुछ शॉट्स हम लोग कुछ सीन शूट करेंगे। हमारे डायरेक्टर सोनू जी आज पूरा स्क्रिप्ट वगैरह बना करके, सिनॉप्सिस वगैरह बना के बैठे, उन्होंने बोला कि नहीं कल से शूट प्लान करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी जगह पे कर रहे हैं? अब बनारस है, सोनभद्र है, जौनपुर है, और कुछ शॉट्स जो है गाजीपुर। अच्छा, और मैंने सुना है कुछ पांच है, एक भी नहीं, पांच फिल्में हैं टोटल, एक के बाद एक। हाँ, वो एक के बाद एक है। अक्षरा सिंह भी हीरोइन है आपके फिल्म की, क्योंकि पहला जो वीडियो आपका वायरल हुआ है मुहूर्त वाला, उसमें हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने मुहूर्त किया था, वो एज ए मुहूर्त में चिपकिस थी हमारी, और आगे साथ में भी हम लोग आ रहे हैं। तो है? अच्छा, पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा नेक्स्ट में कौन कौन हीरो होंगे, कौन कौन हीरोइन होंगे जो आपकी फिल्म में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इस इंडस्ट्री के जो भी बड़े दिग्गज कलाकार हैं, सबका प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छी पहल शुरू करी है और एक ही चीज को देख करके, समझ करके हम लोग सोच रहे हैं कि इसको और भी अच्छा करें और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और फिटनेस की बात करें तो काफी फिट आप नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी दिख रहे हैं, जिम में काफी टाइम बिता रहे हैं। घर पे ही जिम बना रखा है और उसी में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इस फिल्म के लिए मुझे वापस से फिर वजन बढ़ाना पड़ रहा है।
अच्छा हाँ। गौरी शंकर फिल्म के लिए। हाँ गौरी शंकर। इस फिल्म में आपके शायद तीन किरदार हैं। जी हाँ, मेरा तीन कैरेक्टर है। ओके। और तीनों के एज ग्रुप अलग अलग है, जिसके वजह से मुझे इस फिल्म में काफी मेहनत अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेके करना है। चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप अपनी कहानी का खुलासा अभी नहीं करेंगे, पर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि अभी तक आप म्यूजिक कंपोजर बन करके लोगों के बड़े चहेते हुआ कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से एक्टिंग शुरू की आपने ठान ली है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या रिएक्शन मिला? सारे लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन है, और मेरे कहने का मतलब या जहाँ तक मेरी सोच है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए, तो कहीं कहीं से कुछ चीज़ें लोग बैक में नेगेटिव भी बातें कर रहे हैं कि अब ये हीरो बन रहे हैं तो भाई बाकी लोगों को कहाँ तक स्टार बनाएंगे, बट मैंने स्टूडियो टाइम और अपने ये एक्टिंग का टाइम ये दोनों को अलग अलग बांट रखा है। इस शेड्यूल में ना वो डिस्टर्ब करेगा ना उस शेड्यूल में ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैंने दोनों को एकदम से डिवाइड कर दिया है कि म्यूजिक के टाइम म्यूजिक ही और फिल्म सिनेमा एक्टिंग के टाइम फिल्म सिनेमा एक्टिंग। मतलब गाने बनाने का दौर आपका शुरू ही रहेगा, एज ए म्यूजिक कंपोजर आप काम करते ही। जो मैं ओरिजिनल हूँ उसको मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? अच्छा वो नहीं खत्म हो सकता। तो ये जो एक्टिंग है ये अचानक से आपने शुरू करने की ठान ली, तो क्या इसका आपने कुछ कोर्स वगैरह करा, कोई आपको जो है पुश कर रहा है, कोई आपको बता रहा होगा कि ये चीजें आपको कर देनी है, या बचपन से ही अंदर थी जो अब निकली है? एक्चुअली हम लोग बचपन से ही थिएटर करते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग एक थिएटर था हरिकमल नाट्य संस्थान, तो हम लोग थिएटर करते थे और काफी सारे प्लेज नुक्कड़ नाटक वगैरह हम लोगों ने किया, तमाम एल्बम्स वगैरह में किया, तो ये चीज़ हम लोगों के खून में पहले से ही थी, तो जो कि अब मौका मिला है तो उसको निखारने की कोशिश है, बाकी पब्लिक है जितना प्यारा आशीर्वाद दे। ओके, तो हीरोइंस जो है वो आप भोजपुरी इंडस्ट्री से ही ले रहे हैं, कम से कम इतना तो बता दीजिए, या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से है, फिर दोनों से भी नहीं, कहीं और से है? एक्चुअली अभी जो गौरी शंकर है ये इसके पात्र जो है ये स्टेप बाय स्टेप मैं खोलूंगा, और हीरोइंस जो है वो भोजपुरी की भी है और कुछ हिंदी इंडस्ट्री से भी है। अच्छा, और गाने की अगर बात करें तो गाने कौन गा रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर्स गा रहे हैं? वो भी दोनों लोग गा रहे हैं, दोनों। एक्चुअली मेरे माफियागिरी पिक्चर के लिए जो अभी हुड़हुड़ दबंग गाया जिन्होंने, सबाब साबरी जी ने, तो मेरे पिक्चर के टाइटल सॉन्ग को वो गा रहे हैं, लखा जी गा रहे हैं, और भोजपुरी के भी कुछ लोग हैं, इवन मैं भी उसमें हूँ, थोड़ा बहुत गा रहा हूँ, तो कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़नी है, सब कुछ मिल करके अच्छा करने की एक छोटी सी कोशिश है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि ये साफ तौर से भोजपुरी फिल्म आप नहीं मान सकते हैं, ये अवधी मिक्स हिंदी मिक्स भोजपुरी, मतलब तीनों ही भाषाओं को जानने वाले और सुनने वाले लोग इस तरह की फिल्म जो है देख सकते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि आशीष जी, आप खुलकर नहीं बता पा रहे, लेकिन क्या एक्टिंग में आने के बाद से कई जगहों पर विवाद भी खड़े हुए हैं आपके, स्टारों से रिलेशंस अभी भी मेंटेन हैं, या फिर वो स्टार जो है अब आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी कोई खबर पॉजिटिव नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग मेरे पॉजिटिव में ही हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं, मैंने जैसे बताया आपको भी दिनेश जी ने, भैया ने मैसेज लीक करके मुझे भेजा कि 2:30 बजे रात को हो सकता है उनको टाइम मिला हो शूट से, क्योंकि वो अभी शूट पर है गोरखपुर, तो उनको टाइम मिला हो, उन्होंने देखा हो वीडियो, तो उन्होंने मुझे पूरा एक लाइन का ब्लेसिंग लिख करके भेजा कि महादेव से कामना करता हूँ, मेरे दिल से दुआ है भाई, ये नई पारी को बहुत अच्छी तरीके से आप खेलो और छा जाओ। पवन सिंह भी हैं, खेसारी जी के लिए भी आपने काम किया, उनके भी आए हैं शुभकामनाएं? हाँ, उनके भी शुभकामनाएं हैं, खेसारी जी ने भी दिया शुभकामना, पवन भैया ने भी शुभकामना दिया, सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, और सब लोग एक होता है ना छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर का तो रिलेशन था ही, अब उनके सेक्टर में आ रहा हूँ तो वो एक दिल खोल के वेलकम कर रहे हैं, तो जितनी भी हीरोइंस हैं इस इंडस्ट्री की उनका सपोर्ट है, जितने हीरोज हैं उनका सपोर्ट है, सिंगर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं सारे लोग का सपोर्ट है, और एक अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें और बताएं भी कि हाँ क्या मतलब ऐसा कुछ भी हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो कब तक हमें टीजर और ट्रेलर देखने को मिलेगा? टीजर आपको होली के समय मार्च में टीजर आपका। तो दोस्तों होली के समय मार्च में जो है, जहां एक तरफ कलरफुल पूरा का पूरा देश होगा, वहीं दूसरी तरफ आशीष जी की फिल्म का टीजर ट्रेलर आएगा, जिसे देखने के बाद
बातें साफ हो जाएंगी कि आप लोगों ने किस हद तक इनकी एक्टिंग को पसंद किया है। वैसे आपको एक बात जरूर बताएं कि जिस तरीके से बता रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री इस समय इनके साथ है और आने वाला समय बता देगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस वीडियो का समापन, कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।